पूर्वी लद्दाख सीमा पर चीन और भारत के बीच चल रहे गतिरोधों में चीन को अपनी कमजोरियों का एहसास हो चला है। इस दौरान उसकी कोई भी पैतरेबाजी काम न आई तो अब उसने एक नई चाल चली है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस क्षेत्र में अपनी सेना की कमान एक नए जनरल के हाथों में सौंप दी है। केंद्रीय मिलिट्री आयोग के मुखिया के तौर पर जिनपिंग ने जनरल झेंग डोंग को LAC से सटे इलाके की देखरेख करने वाली पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वेस्टर्न थिएटर कमांड का कमांडर नियुक्त किया है। जिनपिंग ने जनरल झेंग समेत 4 वरिष्ठ चीनी सेना और सशस्त्र पुलिस अधिकारियों को प्रोन्नति दी है। जनरल झेंग 65 वर्षीय जनरल झाओ झांग की जगह लेंगे, जिन्हें 2017 में दोकलाम में भारतीय सेना के साथ गतिरोध के दौरान वेस्टर्न थिएटर कमांड की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हालांकि जनरल झेंग के बारे में बहुत ज्यादा जानकारियां तो सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध नहीं है, लेकिन इस चीनी जनरल ने अपना अधिकतम करियर PLA की अन्य थिएटर कमांडो में नियुक्ति पर गुजारा है। कुछ विशेषज्ञ इसे जिनपिंग का पूर्वी लद्दाख में गतिरोध खत्म करने के लिए सही हल तलाशने को उठाया गया कदम मान रहे हैं, क्योंकि जनरल झाओ के नेतृत्व में चीन भारत के बीच राजनयिक और सैन्य वार्ताओं के कई दौर होने के बावजूद अब तक तनाव कम नहीं हुआ है। खैर, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग जितने भी पैतरे आजमा ले, कुछ काम नहीं आने वाला है। भारतीय सेना पूरी शक्ति से उसकी हर चाल का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठी है, वो चाहे खराब मौसम के दरमियान हो या चाहे ऊंची पहाड़ियों की चुनौती। भारतीय सेना ने अपनी तैयारियों को पूरा कर रखा है। हथियारों से लेकर खाने के सामानों तक, गर्म कपड़ों से लेकर गर्म बंकरों तक भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है और इसकी वानगी वो लगातार चीनी सेना को दिखाती रही है। गलवान में हुई झड़प से लेकर अब तक भारतीय सेना ने सिर्फ और सिर्फ अपनी मजबूती दिखाई है, जो चीनी सेना के हौसलों को तोड़ने के लिए काफी है। चीन कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन इस बार भारतीय सेना एक कदम भी पीछे नहीं हटने वाली। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।